कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ शुरू की भारत जोड़ो पदयात्रा। आज सुबह कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कई वरिष्ठ नेताओं के साथ भारत जोड़ो यात्रा की विधिवत शुरुआत की। राहुल गांधी ने यहां विवेकानंद पॉलिटेक्निक से 118 अन्य भारत यात्रियों और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा की शुरुआत की है। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी समेत 119 नेताओं को भारत यात्री नाम दिया है, जो कन्याकुमारी से पदयात्रा करते हुए कश्मीर तक जाएंगे। मुंबई दौरे के दौरान गृहमंत्री अमित शाह की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही, घंटों गृहमंत्री के आसपास घूमता रहा संदिग्ध शख्स। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आई है। मुंबई दौरे के दौरान एक संदिग्ध शख्स खुद को सांसद का पीए बताकर अमित शाह के आसपास घंटों घूमता रहा। मुंबई पुलिस ने फिलहाल उस संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 सितंबर को मुंबई के दौरे पर थे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बंगले पर भी गए थे। उसी दौरान दोनों जगह एक संदिग्ध व्यक्ति लगातार बंगलों के आसपास घूमता रहा। यही नहीं, वे बंगले के भीतर भी दाखिल हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे कर्तव्य पद का उद्घाटन और इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बृहस्पतिवार शाम को कर्तव्य पद का उद्घाटन और इंडिया गेट पर स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। यह जानकारी पीएमओ ने बुधवार को एक बयान में दी है। बता दें कि एनडीएमसी ने आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय से मिले एक प्रस्ताव को पारित कर राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया है। अब इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा से लेकर राष्ट्रपति भवन तक पूरे इलाके को कर्तव्य पथ का नाम दिया जाएगा। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 6,395 नए मामले हुए दर्ज, 33 लोगों की हुई मौत। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 6,395 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,44,78,336 हो गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 50,342 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश भर में संक्रमण से 33 और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,28,090 पर पहुंच गई है। बीते 3 दिनों से गिरावट में चल रहे बाजार आज हुए रिकवर, बढ़त के साथ हुई शुरुआत। कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट और डॉलर के रिकॉर्ड तेजी के कारण भारतीय शेयर बाजार को आज राहत मिली है। पिछले 2 हफ्तों से बना प्रेशर अभी कुछ कम हुआ है। गुरुवार को इसके चलते बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी दोनों ने कारोबार की अच्छी शुरुआत की है। सुबह 9:30 बजे के करीब सेंसेक्स 430 वहीं निफ्टी 120 अंक चढ़कर कारोबार करते देखे गए। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।